नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं मिक्सर ग्राइंडरों के जारों का कपलर ओपन कैसे करना चाहिए। इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये कपलर को चार दाँता अच्छे से हैं, हमें अच्छे से इसको पानर से या कटिंग ब्लेड से या हाथ से ओपन कर सकती हैं। दोस्तों, इसका कपलर पूरा कट के जा चुका है, ये हमारे को हाथ से खोलने भी नहीं आ रहा है और कटिंग ब्लेड से भी नहीं खुल रहा है और इसके पानर से भी नहीं खुल रहा है। हमें इसको खोल लेंगे तो ये स्लिप हो रहा है, किधर किधर भी ये लॉक में नहीं बैठ रहा है। हमें ये खोलने जा रहे हैं तो हमारे को ये अच्छे से ऐसा ओपन हो जाता है। देखो, ये ऐसा ओपन हो जाता है या हमारे हाथ से भी इसको ओपन कर सकती हैं। ये हमारे को थोड़ा ओपन करने की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपका भी जार इस तरीके से प्रॉब्लम आया है तो इसको कैसे ओपन करना इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो अच्छे से देखो, पसंद आया तो एक लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, ऐसे इलेक्ट्रिकल वीडियो लाता रहता ही। दोस्तों, सबसे पहले हमें इसको हाथ से ओपन करके देखो, ओपन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है तो हमें इसके पानर के मदद से भी ओपन करने की कोशिश करो। नहीं हो रहा है तो तीसरा तरीका है, हमारे सॉल्डर गन रहता है ना घरों में, सॉल्डर गन है तो हमें सॉल्डर गन के मदद से इधर अपोजिट में दो होल डालना होगा। दोस्तों, ऐसा अपोजिट में दो होल डालना होगा। आप दोस्तों डालने के बाद हमारे को ओपन करने के लिए न्यूज प्लेयर की ज़रूरत पड़ेगी। जब हमें इसको ब्लेड को अंदर से पकड़ के या न्यूज प्लेयर को हमें ये दो होलों में डाल के हमारा जार को अब हमें इसको सीधा आप सीधा ओपन करना होगा। देखो, ये अब हमारा जार ओपन हो रहा है। देखो दोस्तों, ये अच्छे से हमारा ओपन हो चुका है। इसको क्यों बोले तो देखो, इधर जार बैठने का पोजीशन, सॉरी कटिंग ब्लेड पकड़ने के लिए पॉइंट भी नहीं है और पानर बैठने के लिए भी, इसको देखो ये बैठने के लिए जगह नहीं है, इसके लिए ये स्लिप हो रहा है। आपको मैं ये तरीका बताया हूँ, आप ये ट्राई कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कपलर ओपन करने का बताया हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, ऐसे इलेक्ट्रिकल वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।